बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, हमने बाहरी चीज़ों में स्वास्थ्य के नियम पढ़े होंगे, लेकिन हम आज इस्लामी तरीके से स्वास्थ्य के नियम को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, उसको यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगियों में। तो स्वास्थ्य के नियम क्या क्या हैं, चलो देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। इस्लामी शिक्षा आदमी के व्यक्तिगत और सामाजिक हर एक जीवन में रास्ता दिखाने का काम करती है। मतलब जो इस्लामिक नॉलेज है वो हर एक क्षेत्र में, हर सामाजिक हर एक जीवन में रास्ता दिखलाने का काम करती है, ताकि मानव के शरीर, कपड़ा, भोजन, माहौल, व्यवहार, चरित्र, सोच और इरादा से में शुद्धता और सफाई पैदा हो सके। इस्लाम के स्वास्थ्य के नियम उस समय बेमिसाल देखते हैं जब इसकी तुलना दूसरे धर्मों से की जाती है। इस्लाम में स्वास्थ्य के नियम का अर्थ व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं है, बल्कि वजू इबादत का ज़रूरी हिस्सा है। एक धार्मिक इबादत के लिए पूर्व शर्त एक मुसलमान को प्रत्येक दिन अपने कपड़ों की सफाई के साथ 5 बार कम से कम फर्ज नमाज अदा करना है। अगर हम नमाज करेंगे तो 5 बार अपने हाथों को, मुंह को, पैर को धोएंगे और अपने कपड़े को साफ रखेंगे सिर्फ नमाज पढ़ने से। साथ ही नमाज को शुद्ध और पाक साफ इरादों के साथ पवित्र स्थान पर अदा करना है। एक आदमी आसानी से उसके अच्छे प्रभाव एवं परिणाम को समझ सकता है। जो एक मुसलमान इस काम को बार बार करता है, मासिक धर्म की मुद्दत पूरी होने के बाद, यौन संबंध स्थापित करने के बाद और ऐसी ही दूसरे अवसरों पर स्नान करना जरूरी है। नियम देखो, स्वास्थ्य के नियमों में से एक दांत को धोना है, ताकि दांत की बीमारी और बदबूदार मांस की बीमारी को रोका जा सके। पांव एवं हाथ के नाखून काटना, मोच काटना और नाभि के नीचे और बगल के बाल को साफ करना, यह भी बातें साबित करती हैं कि इस्लाम केवल आदमी की आध्यात्मिक या रूहानी में ही मार्गदर्शन नहीं करता है, बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। इस्लाम में महिलाओं और परिवार, इस्लाम में महिलाओं को आने वाले वंशों की देखभाल करने की जिम्मेदारी देकर उसका बड़ा सम्मान किया है। इस्लाम से पूर्व घर के सामान की तरह महिलाओं के साथ व्यवहार होता था, उसे अपने अधिकार से महरूम रखा जाता था, इस हद तक कि उसका सबसे बड़ा पुत्र अपने बाप की पत्नियों का भी वारिस होता था। इस्लाम से पहले दौर में बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। साथ ही दूसरी ऐसी कितनी तहजीब थी जो महिलाओं को आदमी से कमतर समझती थी। इस्लाम केवल महिलाओं का सम्मान ही नहीं करता है, बल्कि उसे पुरुष पुत्री की नज़र से उसे उसको बराबर का स्थान देता है। अल्लाह ताला ने परहेजगारी को यौन के आधार पर नहीं, सर्वोच्चता के आधार पर बनाया। एक बहुत बड़ी बात लिखी, अल्लाह ताला ने परहेजगारी को यौन के आधार पर नहीं बनाया, शर्मगाह के आधार पर नहीं बनाया, सर्वोच्चता के आधार पर बनाया।
वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ इंसानों, हमने तुमको एक ही महिला और पुरुष से पैदा किया और तुम लोगों के लिए कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। अल्लाह के नज़दीक सबसे सम्मान योग्य वही है जो तुमसे सबसे अधिक परहेजगार हो। अल्लाह ताला ने महिला को अपनी संपत्ति का अपना मालिक बनाया है और उसे अपनी मर्जी से बेचने का अधिकार दिया है, जैसा कि वह जानती है। वह अल्लाह के सामने जवाबदेह या उत्तरदायी है। यदि पत्नी अच्छी नहीं है तो परिवार के देख रेख की जवाबदेही शौहर की है। पति को पत्नी की संपत्ति पर दावा करने का उसका वक्त अधिकार नहीं है जब तक अपनी इच्छा और मर्जी से न दे दे। उसके अतिरिक्त अल्लाह ने बच्चों को अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश देकर माता पिता को एक शानदार स्थान दिया। अल्लाह ताला कहता है, और तुम्हारे मालिक ने तुमको आदेश दिया कि तुम केवल उसकी इबादत करो और अपने माता पिता के साथ दयावान बनो। यदि उनमें से कोई या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको कभी भी उफ तक मत कहो और न ही उनको डांटो, बल्कि उनसे अच्छे ढंग से बात करो। अल्लाह ताला ने आदेश दिया कि केवल उसी की इबादत या पूजा किया जाना चाहिए, और इस आदेश के साथ बच्चों को आदेश दिया है कि माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, मतलब इबादत के साथ माता पिता को अच्छा व्यवहार के लिए अल्लाह ने यह श्लोक आयत बताता है कि इस्लाम में माता पिता का स्थान क्या है। फिर माता को अधिक आदर सम्मान व दया का अधिकार है, जैसा कि नीचे लिखी गई हदीस में है। एक आदमी ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे अधिक अधिकार किसको है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर यही प्रश्न दो बार दोहराया। आपने उत्तर दिया चौथी बार, आपने फरमाया, तुम्हारा पिता, तुम्हारा वालिद। महिलाओं के लिए ड्रेस, लिबास। गैर मुस्लिम के बीच महिलाओं के कपड़ों के संबंध में विवाद है। यह विवाद इस्लाम और उसके सिद्धांतों के न जानने के कारण पैदा होता है। वे लोग यह समझ बैठे हैं कि मुस्लिम महिलाओं अपने घरों में कैद हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। वे लोग मुस्लिम महिलाओं को अपनी संस्कृति की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें महिलाओं ने उसकी संकीर्णता के खिलाफ बगावत किया और अपने को बीते कल के बंधनों से आज़ाद कर लिया। यह गैर मुस्लिम महिलाओं की गलत सोच है। यह इस हकीकत की वजह से है कि पश्चिमी महिलाओं ने न तो वर्तमान में और न ही बीते कल में आज़ादी के सच्चे अर्थ को समझा। पुराने दौर से लेकर नए जागरूकता तक और यूरोप के औद्योगिक क्रांति के दौर से लेकर वर्तमान टेक्नोलॉजी और दौर तक वे लोग एक गुलामी से दूसरी गुलामी में प्रवेश करते गए हैं, और यह सब उनकी अपनी आज़ादी इच्छा के अनुसार है, जिनका सोचना केवल अंत तक आज़ादी है, जबकि यह दूसरे भेष में केवल गुलामी है। वे लोग अधनंगे अपने घरों से बाहर जाते हैं कि उनकी शारीरिक बनावट की एक सीमा है, और ये कि उनका निश्चित काम, निश्चित उद्देश्य के लिए। पश्चिम में परिवारों का विनाश इसके परिणाम के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिलाओं का इस्लाम में नकाब पहनना कोई संस्कृति या रीति या तहजीब नहीं है, जो विरासत में दूसरी पुरानी संस्कृति से मिली है। यह आदेश उस एक अल्लाह का, जिसने इंसानों को पैदा किया, अपनी असीम
बुद्धिमता के कारण उसने महिलाओं को इसका आदेश दिया। पुरुष और महिलाएं दोनों ही यौन इच्छा के साथ पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए खास कानून और रास्ते बता दिया है और पुरुष और महिला के बीच रख रखाव और अच्छे संबंध की रक्षा की है और उसकी भलाई के लिए सभी प्रकार के गलत यौन संबंधों से मना किया है। इन नियमों के पालन से ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकेगी। नतीजा, इस्लाम अल्लाह ताला का धर्म है जिसे इंसान के लिए चुना गया है। उसने कहा, निसंदेह धर्म जिसे अल्लाह के द्वारा स्वीकार किया इस्लाम है। इसका अर्थ है कि यह पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। इस हकीकत के बाद आदमी को तरक्की और विकास के लिए किसी नए कानून को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है जो हर एक आयु और जीवन के लिए योग्य हो सके। यह जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जो आदमी के लिए जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। इस्लाम प्रत्येक समस्या का निदान रखता है। यह एक पवित्र पैगाम है जिसे इंसानों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। आदमी के लिए उसने अपनी अंतिम किताब कुरान को उतारा जिसमें न बदलने वाला कानून है। अब आपने इस किताब को पढ़ लिया है और इस्लाम के केंद्रीय सिद्धांतों के बारे में अधिक जानकार हो गए। अब आपके ऊपर चुनने की जिम्मेदारी, प्रत्येक आदमी एक ही दिशा में अग्रसर है, परंतु वह रास्ता जिसे वह चुनता है वह उसके दूसरी दुनिया के उद्देश्य के इरादे को दर्शाता है। अल्लाह ताला बहुत दयावान, मेहरबान और वह अन्याय से बहुत दूर है। वह कहता है, जब हम एक संदेशता को नहीं भेज देते तब तक किसी को सजा नहीं देते। आपसे हमारे संबंध के बाद हमने आप तक यह संदेश पहुंचा दिया है। इस्लाम के बारे में कुरानी आयात और हदीसें। कुरानी आयात, यह कुरान किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं है, एक मार्गदर्शन है और उनके लिए जो मुत्तकीन यानी ईश्वर भक्त, परहेजगार और अल्लाह से बहुत डरने वाले हैं, सभी प्रकार के गुनाहों से बचते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है और अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ने जिन अच्छे कामों के करने का हुक्म दिया है वे करते हैं। अल्लाह ने इस सच्चे धर्म को चुन लिया, इसलिए तुम मुसलमान को करके ही मरो। तुम मुसलमान हो करके ही मरो, मतलब मुसलमान ही होकर मरो। और जो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म को ढूंढता है वह उससे कभी नहीं स्वीकारा जाएगा और कयामत के दिन वह घाटा उठाने वालों में से होगा। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्मों को पूरा कर दिया, तुम अपनी कृपा मुकम्मल कर दी तुम पर अपनी कृपा मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म की हैसियत से चुना लिया। वास्तव में जो लोग अल्लाह और उसके संदेशता में विश्वास नहीं रखते और अल्लाह और उसके संदेशता के बीच भेद बरतना चाहते हैं, अल्लाह पर ईमान लाकर और उसके पैगंबर का इनकार करके कहते हैं हम कुछ पर विश्वास करते हैं परंतु दूसरी बातों को नकारते हैं और बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वही है जिसने अपने संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखलाने और सच्चे धर्म इस्लाम के साथ भेजा ताकि उसे तमाम धर्तों पर सर्वोच्चता प्राप्त करे,
चाहे मुशरिकीन उनके ईश्वर को मानने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाले, अल्लाह के एक होने का इनकार करने वाले को यह कितना ही बुरा लगे। क्या वह आदमी जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो तो वह अपने मालिक की ओर से एक नूर रोशनी पर है, और तबाही उन पर जिनके दिल अल्लाह की याद से प्रभाव नहीं लेते बल्कि कठोर हो गए। यह लोग खुली गुमराही में हैं। वही है जिसने अपने संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखलाने और सच्चे इस्लाम के साथ भेजा। वह उसे इस्लाम को तमाम धर्मों पर गालिब बना दे और अल्लाह गवाह होने के नाते काफ़ी है। ऐ इंसानों, अपने मालिक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम लोग मुत्तकीन यानी परहेजगार अल्लाह से बहुत डरने वाले बन सको। जिसने तुम्हारी लिए धरती को बिछौना और आकाश को छत बनाया और आकाश से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। होशियार जानने के बावजूद अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाओ। अल्लाह ने होशियार कर दिया। इस्लाम के बारे में कुछ हदीसें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, एक आदमी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम की कौन सी बातें अच्छी हैं? पैगंबर ने जवाब दिया, खिलाना और जिसे जानते हो जिसे नहीं जानते उनसे सलाम करना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि एक आदमी इस्लाम शुद्ध मन से कबूल करता है और अल्लाह उसके पिछले किए गए सारे पापों को माफ़ कर देगा और उसके बाद मामलात का निपटारा शुरू होता है, उसके अच्छे कामों का बदला 10 गुना से 700 गुना का हर दिन अच्छे काम के लिए मिलेगा और बुरे काम का रिकॉर्ड उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक कि अल्लाह उसे माफ़ ना कर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बच्चा फितरत इस्लामी अकसरा तौहीद से बच्चे ईमान पर पैदा होता है, परंतु उसके माता पिता उसे यहूदी ईसाई या मजूसी बना देते हैं, जैसा कि एक जानवर एक मुकम्मल बच्चे को जन्म देता है। क्या तुम उसके अंग कटे फटे पाते हो? तब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह पाक आयात पढ़ी, अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने इंसान को पैदा किया, कोई बदलाव नहीं खलकिल्लाह में यानी अल्लाह का धर्म जो सीधा धर्म है। बुखारी की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सभी साथी जन्नत में जाएंगे सिवाय उस के जो इनकार करता है। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इनकार करेगा? कौन इनकार? आपने फरमाया, जो कोई मेरी बात मानता है जन्नत में जाएगा और जो कोई बात नहीं मानता कि वह इनकार करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बाइबल की भविष्यवाणी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो जॉन, तो मेरे आदेश का पालन करो और मैं पिता से दुआ करूँगा और वह तुमको दूसरा तसल्ली देने वाला देगा जो कि तुम्हारे सदा साथ सदा रहेगा। परंतु जब वह तसल्ली देने वाला आता है जिसको मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, सत्य की आत्मा भी जो पिता की ओर से होगा वह मेरी गवाही देगा और तुम लोग भी गवाही दोगे क्योंकि तुम मेरे साथ शुरू से रहे हो। लेकिन अब मैं उसकी ओर जाता हूँ जिसने मुझको भेजा और तुम में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा, आप किधर जाएंगे? परंतु क्योंकि मैं तुम सबको कह चुका हूँ, दुख ने तुम्हारे दिल को भर दिया है, फिर भी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, क्योंकि यदि मैं नहीं जाता हूँ वह तसल्ली देने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर रवाना होता हूँ तो मैं उन्हें तुम्हारी ओर भेजूँगा और जब वह आते हैं वह पाप की दुनिया को
झिड़केंगे और परहेजगारी और इंसाफ को कायम करेंगे। मेरे पास अभी भी तुम्हें कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अब तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। कैसे क्या होगा जब वह नेक आत्मा आएंगे? वह तुम्हारे सभी सच्चाई में सही रास्ता दिखाएंगे। वह खुद कुछ नहीं कहेंगे और वह तुमको आने वाली चीज़ें दिखलाएंगे। वह मेरी तरफ तारीफ क्योंकि वह मेरी तारीफ क्योंकि वह मुझे प्राप्त करेंगे और वह इसे तुम लोगों को दिखाएंगे। और थोड़ी देर तुम मुझे नहीं देखोगे और दोबारा थोड़ी देर के लिए तुम लोग मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता की ओर आ जाता हूँ। मुस्लिम उलमा ने बताया है कि वह व्यक्ति जिसके आने की बात ईसा अलैहिस्सलाम के बाद खुद उनके द्वारा ऊपर की आयतों में की गई है, वह बात अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अधिक किसी दूसरे पर नहीं बैठती। यह व्यक्ति जिनके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आने की भविष्यवाणी की है, उन्हें बाइबल में हारकलीन कहा गया है। इस शब्द को बाद में के व्याख्याओं और अनुवादों के द्वारा हटा दिया गया और उसे सत्य की आत्मा से बदल दिया गया और आगे तसल्ली देने वाले से और कभी पवित्र आत्मा से बदल दिया गया। यह मूल शब्द यूनानी है और उसका अर्थ वह आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो। अरबी भाषा में मोहम्मद का अर्थ भी यही है। मनहज सलफ सालहीन के फ़रोग के लिए कोशा। दोस्तों, हमने इस्लाम एक नज़र में इस बुक को मुकम्मल पढ़ लिया है। अब इस 5 एपिसोड में हमने इसको पूरा कर दिया मेरे दोस्तों। अब इससे हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर इसको 1% भी अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो हम एक शांत दिल वाला इंसान और अपने रब को राज़ी करने वाला इंसान बन सकते हैं मेरे दोस्तों। आज अलविदा लेते हैं और हम किसी दूसरे बुक के समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे बुक में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।